नांदेड़ में पठान संगठन की ओर से पठान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मराठवाड़ा के सभी जिलों से पठान प्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज की। कॉन्फ्रेंस में पठान संगठन खुदाई खिदमतगार महाराष्ट्र के संस्थापक अध्यक्ष पठान अयूब खान तुराब खान बीड, उमरखेड़ से मुफ्ती इनामुल्ला खान, लातूर से मोहसिन खान, किनवट से मूसा खान, नांदेड़ से फेरोज लाला, परभनी से मोइस खान यूसुफजई, बीड से नगर सेवक जलील पठान, नगर सेवक जैतुल्ला खान, सिराज खान आरजू, जफर लाला खान, अबरार खान, लातूर से हमीद खान, उमर दराज खान, गौस खान, नांदेड़ से एडवोकेट रहमान खान, नगर सेवक अलीम खान, माजी नगर सेवक सईद खान, अजहर खान, सोफी अली खान बाबा और दीगर पठान बिरादरी के मान्यवर उपस्थित थे। इस अवसर पर पठान बिरादरी समेत समाज के सभी घटकों के विकास के लिए प्रयत्न किए जाएंगे, इस तरह की बात मान्यवरों की ओर से कॉन्फ्रेंस में की गई। ईमानी और धन्य अपने ईमान पर वतन पर मर निकला, ये पठानों के अंदर ऐसा अंदर है कूद कूद कर रहता है कि किसी कौम में भी चीज नहीं मिली। तीसरी चीज वफादारी है, मेहमान नवाजी है कि अल्लाह ने इनके अंदर इन चीजों पर रखा, ये हकीकत है। और जिसके लिए हमें हमारे नबी ने नफा किया था पठान, वो सौ पे भारी होने वाला एक पठान अगर मैदान पे खड़ा हो जाता था तो ये सौ पे भारी रहता था। आज 40 अगर पठान खड़ा है, 2 अगर नए ईमान है, तो आज 40 पठान वहां पर कमजोर हो। इसकी वजह हमारा हम तुम्हारा इतिहास नहीं है हमारे, इसको हमको सिस्टम करने के लिए, ये बिरादरी खड़े करने के लिए, ये कबीला खड़े करने के लिए इतने आसानी से खड़ा नहीं हो जाएगा। आज भी इतने पठान यहाँ एक जगह जमा हो रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो काम नांदेड़ से स्टार्ट किया और इतने पठानों को एक जगह जमा किए, ये भी एक बहुत बड़ी बात। तो फिर अब हमें भी अपना मुआवजा करना चाहिए कि क्या वो लोग जो हुकूमत करेंगे वो सलाहियतमंद होंगे या नहीं, ये सवाल हमने यहाँ पर जितने लोग हैं वो सामने खुद से पूछना है कि क्या हमें वो सलाहियतें हैं कि हम सबको साथ लेके चलें, और क्या हमें वो सलाहियतें हैं कि हम दुनिया को नई चीजें दें। के ऊपर जो भी मुसीबत है, फिर भी पठान कमजोर नहीं है, अल्लाह की मदद उसको जारी है। और पठान का बच्चा जो है तो अल्लाह की सफ़त की रहमत की नजर अल्लाह ने कबूल की है, कयामत की सुबह तक हम सलामत है। लेकिन आज के वक्त के और आज के हालात के हिसाब से हम सब लोग एक जगह जमा हो जाए और जमा होके अपनी कमेटी के बारे में, अपनी बिरादरी के बारे में सोचे, माँ की आदत के बारे में जैसा हमारे भाई ने सभी भाई ने बताया कि तालीम के बारे में मरते मोहम्मद तालीम के लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन जन्म देने वाले कौन है? पढ़ा आप किसी भी फील्ड के अंदर जाए, चाहे आप जो है दीदी फील्ड के अंदर जाए, तो वहां पे आपको जो है अलग अलग कबीलों में बैठे। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो सबसे पहले पठान सामना चाहिए मैंने, क्योंकि बहुत सी बार जब मैं मुंबई से चलाते चीजें कुछ बातें जब नजर में सामने आती है तब वो चीजें नहीं देखे, क्योंकि आज के हालात बड़े बाबस्ता है, क्योंकि मुसलमान ऐसा है, मुसलमानों की हालत ऐसे क्योंकि अलीम है, वो इतना तेज है। हूँ मोहब्बत ही मुसलमान हूँ, मोहब्बत ही मुसलमान वतन पर जान उतारा जा मुसलमान वतन पर जान लगाना चाहता हूँ, ईमान वाली कौम है मेरी चक नजर से 270 लोगों को तक हमने सुन से क्योंकि जाने बचाई है। आज भी हमारे पास अगर अगर 40 साल मेरे पास मौजूद है, जिस शहर के अंदर कभी भी कोई भी मतलब आता है हम उसको तो काम करके उस कंपनी में मैं क्या हूँ, मकान है शेख है सही अगर मुसलमान है, हम हिंदू के लोगों तक अगर कभी भी जो लोग हैं हमारे भाई उनको तक हमने स्टार्ट किया। हमें न्यासत के अगर लोगों कि पठान खाली मुजरों को हमारे मुजरों को बाकी लोगों के जैसा एक लाइन रखने वाला भी हमारा गवर्नमेंट है, रिश्वत रखने वाले
और अल्लाह तआला के अल्लाह ने हमको बताया है कि आप गरीब को रखो और मुझे तो गरीब को रखकर मुझे तो अच्छे इलाके घर के इलाके का काम करो। आप उनको कहता हूँ कि हम हमारे गुजारे के लिए जितना मांगते करते जितना उनका का फंड लगा सकते हैं जितना टाइम दे सकते ये आज आदमी करो कि हम हमारे भाइयों के लिए करेंगे क्योंकि अल्लाह ने बताया है। अल्लाह ने भी कहा है कि भाई तेरा धानों का तेरा मस्जिद का तेरा खाने खिलाने का वो आगे तुम्हें गलती के ऊपर जाएगा। सबसे पहले तेरा भाई भूख रहा है तेरी बहन भूखी है तेरा चचा भूख रहा है तेरा ताया भूख रहा है तेरा दोस्त भूख रहा है अगर ये लोगों तुम लोग दिखाएंगे ये लोगों को खिलाएंगे नहीं अगर तेरे घर में दूध मुकदम बन रहा है तेरा भाई सुखी कंडी खा रहा है तो मन सबसे पहले पकड़ तेरी माँ होगी। अल्लाह को बोले ना अंदर के मतलब क्या होता है तेरा मेरा मन माफ कर दे उसको ले जा क्या आकर उसको तेरे खानदान के लोगों को निपट के आ जा। हाँ मैं भी निपटती हूँ हम ये हासिल करें आज कि हम हमारे प्रधान बिरादरी के लिए जो भी होते हो महीने में आठ दिन में तीन में एक घंटा दस मिनट जो भी दस जो भी हम हमारे लिए कर सकते हैं वो करेंगे। हम हमारा जिला शहर तालुका लेवल के ऊपर एक यूनिटी बनाएंगे करोड़ में रखेंगे और हमारे हेड डाले जो भी आपकी मैत्री पा गए छोड़ो भाइयों अल्लाह ने कहा है कि तुम जैसा गुमान रखेंगे मैं वैसे पैसे दूंगा। हमारी का सोच थी खाली दिल्ली दिल्ली के हद तक हमने उनको तो घूमते होने का आदर करे थे। अल्लाह ने आज हमको महाराष्ट्र लेवल में इंडिया लेवल के ऊपर होते तो मुक्ता धोने के लिए उनका अखबार बनाया लोग हमारे वर्ग का जो वास्तव में उनका अभ्यास करना चाहिए और जहाँ जहाँ हमें उसका अखबार आ सकते हैं और हर किसी किसान से बात करते हैं उसके लिए जैसा कि सामने का मुद्दा था वही माहौल एक बहुत बड़ा मुद्दा इस गाँव में आता है उसको हो सकता है तो उसके आपने जो गलती भी बताई इसलिए सारी गलती में तो हमारी बोर्ड कमेटी में जब रखी गई थी वो कमेटी कमेटी के अंदर जिस तरह से मतदान तय हुई उसे उससे सारे बिना लोगों ने विश्वास किया।